आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। झुलस रहा महाराष्ट्र, मराठा क्रांति मोर्चा ने किया बंद का आह्वान, क्या क्या रहेगा बंद। मराठा क्रांति मोर्चा ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण शहर में सोमवार को बंद का आह्वान किया। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को मराठा आरक्षण की मांग के दौरान जालना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था। बंद के आह्वान के मद्देनजर शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल्याण पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक प्रभारी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। क्या क्या रहेगा बंद। मराठा क्रांति मोर्चा ने कहा कि बंद के बीच आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। सोमवार की सुबह मराठा क्रांति मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं ने कल्याण शहर में घूम घूम कर दुकानदारों और ऑटो रिक्शा चालकों सहित अन्य सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं से बंद का समर्थन करने की अपील की। आप बता दें कि जालना हिंसा में 40 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई थी। वहीं 15 से अधिक एसटी बसों को आग लगा दी थी। कल्याण के पूर्वी हिस्से में अधिकांश दुकानें बंद। पुलिस नियंत्रण कक्ष के अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, अभी तक बंद का ज्यादा असर नहीं हुआ है। हालांकि मराठा क्रांति मोर्चा के स्थानीय नेता हर्षवर्धन पलांडे ने दावा किया कि कल्याण के पूर्वी हिस्से में अधिकांश दुकानें बंद हैं। उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा चल रहे हैं ताकि कार्यालय जाने वालों को कोई असुविधा न हो। पुलिस अधीक्षक तुषार दोषी को छुट्टी पर भेजा। रविवार को मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कल्याण के शिवाजी चौक पर जालना घटना का विरोध किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को घोषणा की कि जालना जिले के पुलिस अधीक्षक तुषार दोषी को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया है और 2 DYSP रैंक के अधिकारियों को जालना जिले से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। शिंदे ने कहा कि ADGP कानून एवं व्यवस्था संजय सक्सेना लाठीचार्ज की घटना की जांच करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो न्यायिक जांच भी कराई जाएगी।